तुम्हारी प्रिपरेशन को बचाने के लिए, तुम्हारे रिजल्ट को बचाने के लिए, तुम्हारे फ्यूचर को सेव करने के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा वो इस वीडियो में तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। देखो यार, सबसे पहले तुम सबको सल्यूट है मेरा। तुम लोग इतने टफ टाइम में जब अच्छे से अच्छा इंसान जो नॉर्मल से नॉर्मल जिंदगी जी रहा है वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, उस पे अपना रोजमर्रा का काम भी नहीं हो पा रहा है अच्छे से, क्योंकि वो अपनी सोसाइटी से एक तरह से करते हैं, वो लॉकडाउन और इस कोरोना वायरस से इतना ज्यादा मेंटली इफेक्ट हो चुका है, हर किसी की मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है। तो अब जब वो वॉरियर्स जो तुम क्लाइंट एस्पिरेंट्स के तौर पे इस एग्जाम का हर महीने इंतजार करते हो कि अब डेट आएगी, अब हम अपने सपनों को जी सकेंगे, शायद हम अपने ड्रीम कॉलेज पहुंच सकेंगे, और तब वो हर बार आगे डेट बढ़ जाए, तो तुम्हें कैसा लगता होगा? ये शायद तुम्हारे अलावा कोई नहीं समझ सकता। बट हाँ, आई हैव गिवन क्लैट, आई एम स्टडिंग इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मैं तुम्हारे सीनियर के तौर पे ये बात तो है कि तुम्हारे पेन को कुछ कुछ एहसास कर सकता हूं और उसको कम करने के कुछ तरीके जरूर कर सकता हूं, ठीक है? सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज आई थिंक यू विल गेन सम वेरी यूजफुल इनसाइट्स आउट ऑफ इट। चल बात करते हैं एक प्रॉब्लम की कि लोगों ने मुझसे कहा कि सर कोचिंग बंद हो गई तो घर पे पढ़ाई नहीं हो रही। एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा माइंड शिफ्ट है, सोचने का तरीका है, घर पे पढ़ाई नहीं हो रही, दो पॉइंट बताऊंगा इसके लिए क्यों। देखो यार, जब तुम्हारी कोचिंग बंद हुई तो मोस्टली जगहों का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, और नहीं हुआ था तो कोचिंग वालों ने क्या किया, ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू तुम्हें पूरे सिलेबस से जानकारी करवाई, क्या है क्या नहीं है। अब इसके बाद तुम्हारा काम क्या रह जाता है, किसी भी एग्जाम को जब हमें दो स्टेज में डिवाइड करेंगे, एक लर्निंग देन प्रैक्टिसिंग, ठीक है? तो लर्निंग का फेज तो कंप्लीट हो चुका है दोस्त, तुम्हें कहानी सारी पता है कि तुम्हें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। अब एक्चुअल बात आई प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए, समय। सेल्फ स्टडी के लिए क्या चाहिए, समय। अब वो चीज तुम्हें ये लॉकडाउन दे ही रहा है क्या? तुम्हें इस लॉकडाउन से कितने फायदे हुए ये सोच के देखो जरा। तुम अपने घर पे आते हो, तुम्हारे पास अब कोई ट्रैवलिंग टाइम वेस्ट करने का की जरूरत नहीं है कि कोचिंग जाना आना, फालतू के यूजलेस डिस्कशंस जो तुम्हारे पीयर मेंबर्स होते थे वो करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास एक ऐसा मोरल सपोर्ट है, एक ऐसा मोरल सपोर्ट है जिसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बेटा आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, आप सबसे जब तक आप वीक पढ़ो, आपके दिमाग में कोई भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए तो आप उनसे कह सकते हो, आप उनके पास और उनसे कॉल से बात नहीं करनी, तो ये सारे बेनिफिट्स क्यों नहीं देख पाते हम? और बात करते हैं, जब हम लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं ना, तो उसमें साथी जैसे जैसे वो होता है ना, अगर हम कहें माइंड का जितना काम होता है उतना ही बॉडी भी हमारी फंक्शन है, मतलब एग्जॉस्ट हो रही होती है, बहुत शक्ति लगती है तैयारी करने में, ठीक है? अगर मैं कहूं कि तुम उस तैयारी में जो न्यूट्रिशन बाहर प्राप्त कर रहे थे उससे 10 गुना 100 गुना अच्छा न्यूट्रिशन तुम्हें घर पे नहीं मिल रहा है। ज्यादातर लोग हेल्दी हो चुके हैं घर पे आके, क्या ये बात सच नहीं है? तो अब कहां जा रही है वो एनर्जी, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो, ये सोचा है? एक बात सोच के देखो, जब तुमने इस क्लैट के एग्जाम को देने की सोचा था तो किसके लिए सोचा था? पापा के लिए, माँ के लिए, सोसाइटी के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए, या फिर खुद के लिए? कोई तो एक प्रॉमिस किया हुआ तुमने खुद से कि आई वॉन्ट अ बेटर लाइफ फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूं, एक अच्छे ड्रीम कॉलेज में पहुंचना चाहता हूं। तो अगर तुमने उस प्रॉमिस को भुला दिया तो क्या तुम्हें गिल्ट नहीं होती
क्या तुम जब रोज अपने आप को नेटफ्लिक्स एंड चिल में डालने की जो गलती कर रहे हो ये सोचकर कि एग्जाम बहुत दिनों बाद होगा, क्या तुम खुद को धोखा नहीं दे रहे हो? और अगर दे रहे हो मेरे दोस्त, तो केवल गद्दारी तुम अपने आप से नहीं मां बाप के विश्वास से भी कर रहे हो। उनकी आंखों के सामने बैठ के उनकी आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हो क्या? तो यार एक बात सिंपल सी है, चीजें जो हैं वो वैसी ही हैं सबके लिए, उनमें कैसे बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो बताता हूं तुम्हें। वही सीखना है हमें, उसी का तरीका जान लेना है हमें। बात समझने की कोशिश करते हो, जो हमें लगता है, हमें लगता है प्रॉब्लम जो है लॉकडाउन में सॉल्व कर दी, क्या क्या सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिस हम लोगों की हो चुकी है ना, हम लोगों को करनी है सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा, उसके लिए हमें क्या मिल गया, टाइम मिल गया, टाइम कैसे बचा, ट्रैवल टाइम बच गया, उसके बाद जो है फालतू डिस्कशन हो रहा टाइम बच गया, गुड निशन मिलेगा। अब जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स मैं बहुत बता रहा हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल लेवल बात करूंगा, तुम कहोगे सर ज्ञान मत दो, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल नहीं। देखो ये चीजें जो है एक्चुअल में जो दिक्कतें आ रही है तो मैं वो भी मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम्हें टीचर का सपोर्ट चाहिए, टीचर साथ में रहता है, कंटिन्यूसली डाउट सॉल्व करता रहता है, सपोर्ट करता रहता है, मोटिवेट करता रहता है, तो उस चीज से तुम्हारी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। आई अंडरस्टैंड, आई ऑल्सो गॉन थ्रू दैट फेज। तुम कोचिंग में होते हो तो पीयर लर्निंग, तुम साथ में मॉक्स लिख रहे हो, तुम्हारा शेड्यूल्ड मॉक है, तुम्हें प्रेशर है उस चीज का, तो तुम ऑटोमेटिकली ज्यादा बेटर प्रिपेयर होते हो उन मॉक्स के लिए और ऑटोमेटिकली अच्छा स्कोर करते हो। उन स्कोर्स को आपस में भाई बंधुओं से कंपेयर करते हो, कम आते हैं तो लड़ते हो, ज्यादा आते हैं तो खुश होकर और आगे काम करते हो। ये चीज है, आई नो कि तुम्हें नुकसान हो रहा है, ठीक है, इन सबके सॉल्यूशन बताऊंगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो, कंफर्ट जोन में तुम चले गए। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जब तुम कोचिंग जाते थे पढ़ते थे तो उस दौरान प्रॉपर कपड़े वपड़े अच्छे से पहन के, जूते वूते पहन के, है ना, यू वर गोइंग देयर इन अ प्रेजेंटेबल मैनर। तो एक बात समझने की कोशिश करना, कभी भी टेबल कुर्सी पे बैठ के जो पढ़ाई होगी ना वो कभी बेड पे लेट कर नहीं हो पाएगी। कभी भी घड़ी लगाकर देख लेना कि तुम्हारा जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली गिर चुकी है अगर तुम अपने पोज यानी कि कंफर्ट जोन के पोज में जाके अपना काम कर रहे हो। बीइंग एक्टिव ऑल द टाइम व्हाइल स्टडिंग इज योर की टू सक्सेस। अगर तुम समय भले कम दे पाओ पर जितना दो वो अच्छे से दो, वो चीज है। तुम तैयारी कर रहे हो घर वालों को दिखाने के लिए, कई बार सुबह शाम तक किताबें तो लेके बैठे रह सकते हो लेकिन शाम को लगे कि यार किया क्या इस दिन भर, पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं, उसका सोल्यूशन भी तुम्हें दूंगा। बॉडी प्लस माइंड, जब आप दोनों का पता है एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है, जब तुम कहीं बाहर निकलते थे जब लॉकडाउन में, जब ऐसे तुम घर में बंद नहीं थे तो तुम्हारा शरीर थोड़ा बहुत काम करता था, तुम्हारा ब्रेन यहाँ पे एग्जाम में लगा था, तो उस दोनों का साथ में अच्छे से विकास हो रहा था और साथ ही दोनों लोग मतलब दोनों ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर पाते। बट हुआ क्या, जब आप लॉकडाउन में आ गए तो आपको घर पे बैठना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे आप सुबह शाम तक, माँ सब ध्यान रखती है, तो अब इसके बाद आपके माइंड को मतलब ये तो रिसर्च से भी प्रूव हो चुका है दोस्त कि अगर 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 हम मतलब कुछ फिजिकल वर्क नहीं करते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमारी बॉडी को जो हमारे ब्रेन की फंक्शन को कंपैरेटिवली वीक कर देते हैं। और बेटर वे में इस तरह से कह सकते हैं कि जो लोग थोड़ा सा फिजिकल काम करते हैं उनके ब्रेन में ऐसी चीजें पाई गई, ऐसे डेवलपमेंट्स पाए गए, ऐसे हार्मोन रिलीज पाए गए जिसकी वजह से उनके ब्रेन की लर्निंग कैपेसिटी और ये सब चीजें इंप्रूव होती दिखी। जब अब कुछ नहीं हो रहा है काम तो यू आर फेसिंग दिस थिंग। फ्रेंड्स विद कॉमन गोल्स, वही वाली बात, भाई बंधुओं को देख के मॉक वॉक में तुम अपना मोटिवेट होते रहते थे कि करना है करना है करना है। अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जाम्स, यही चीज मैं सबसे पहले बता रहा हूं, इसमें मैं दो लोगों को बताऊंगा। देखो जब एग्जाम की डेट नहीं आई है ना, तो यहां पे दो तरह के लोग, एक तो जो बिगनर है और एक जो प्रो है, किस चीज में, तैयारी में। देखो अगर तुम बिगनर हो मेरे यार और तुम सोच रहे थे कि इस साल तो मेरा नहीं हो पाएगा, मेरी इतनी तैयारी अच्छी नहीं है, तो
तो मैं कहता हूँ तुम बिल्कुल गलत थे, तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्त, अगर तुम नहीं अच्छे से तैयारी कर रहे थे। तो इस लॉकडाउन का, इस छुट्टी का यूज करके 10-10, 12-12 घंटे पढ़ के तुम अपना सिलेक्शन इसी साल सिक्योर कर सकते हो और नेक्स्ट ईयर अपना बचा सकते हो। और बताता हूं, जो लोग प्रो हो चुके हैं वो लोग एक बात बड़े ध्यान से समझ लें, आप जिस दिन अपने आप को इस लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा भी लेथार्जिक बना रहे हैं, उस दिन उस पल हर कोई ऐसा एक बच्चा तुम्हें मिलेगा जो कि तुम्हें पीछे छोड़ा जा रहा है, तुम्हारे लिए कंपटीशन बढ़ाता जा रहा है, जिसकी तैयारी तुमसे कम थी लेकिन अब वो इस टाइम का यूज करते हुए तुम्हारे बराबर आता जा रहा है, तुम्हें शायद वो पीछे भी करता जाएगा अगर तुम इस चीज को नहीं सुधारोगे। तो इसीलिए जो आगे है वो और दौड़े, जो पीछे है वो भी दौड़े, रुके नहीं, क्योंकि हु नोज कि अगले 1-1.5-2 महीने में किसकी किस्मत कितनी चमक जाए। ठीक है, तो ये थी प्रॉब्लम्स। बात करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में। टेक्नोलॉजी का जमाना है दोस्त, तो अगर टीचर्स से कांटेक्ट में नहीं हो तो उनसे कांटेक्ट बनाओ, फोन से कंटिन्यूस टच में रहो, पर्सनल टच जरूरी होता है। कोई तो तुम्हारा फेवरेट टीचर होगा जिसका तुम्हें एटीट्यूड पसंद होगा, जो तुम्हारी फीलिंग समझता होगा, उससे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो, उसकी एडवाइस लो। इन चीजों की जरूरत रोज नहीं पड़ती है मेरे भाई, जो एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट होता है ना उसको मोटिवेशन की डोज नहीं देनी पड़ती कभी कभी, हमेशा हमेशा मतलब उसको बहुत ही रेयरली इन चीजों की जरूरत पड़ती है। जब वो अपने आप संतुष्ट नहीं होता है, रिजल्ट संतुष्ट नहीं होता है, तो उसको वे नहीं दिखाई दे रहा होता है जैसे इंप्रूवमेंट का, तब इन जगहों पे आपके लिए टेक्नोलॉजी है मेरे भाई। और तो बताता हूँ, जो फ्रेंड्स विद कॉमन गोल्स तुम्हारे पीयर ग्रुप में थे ना कोचिंग के टाइम पे, उनकी ही बता रहा हूँ। अगर ऐसे दोस्तों की तुम कमी महसूस कर रहे हो तो अभी टेक्नोलॉजी का यूज करो मेरे भाई, और ग्रुप्स बनाओ, ग्रुप्स बना के उनसे कहो कि सर हम अब ग्रुप, हम भाई मेरे, हम लोग एक साथ ही मॉक देंगे, एक साथ ही एनालाइज करेंगे उन्हें, ताकि डाउट भी उसके साथ में क्लियर हो जाए, जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए हम लोग स्पेसिफिक टाइमिंग रखेंगे, जो चीजें तुम साथ में वहां करते थे उन चीजों को बस एक दूसरा फॉर्म देना है। वही मैं कह रहा हूं, व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट द थिंग्स यू लुक एट चेंज ब्रदर, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। तो इसलिए कह रहा हूं कि गिव मॉक्स एंड एनालाइज देम टुगेदर, यू विल बी वेरी वेरी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रैक्टिस। ठीक है, एक्ट प्रोफेशनली इवन एट होम। वही मैं बता रहा हूं यार, अगर लिथार्जी में पढ़ोगे ना, लेट लेट के पढ़ोगे, नहीं कर पाओगे तैयारी अच्छे से। इसीलिए बता रहा हूं कि कोशिश करो कि सुबह जो है जब तुम उठो, जब तुम फ्रेश होके अपनी पढ़ाई करने बैठो, तो एकदम टिप टॉप मैनर में, मतलब समझो कि कहीं तैयार होके जा रहे हो, जैसे प्रोफेशनल्स है ना। आई विल टेल यू स्टोरी, मैंने ये चीज देखी, मुझे मतलब एक सर ने मुझे बताया था कि उनका एक स्टूडेंट था। ठीक है, तो हुआ क्या कि ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन वाइल डूइंग जॉब, तो वो उस जॉब के दौरान तो 3-4 घंटे निकाल ले रहा था पढ़ाई के, बट जब ये लॉकडाउन हो गया तो उसको जॉब वर्क फ्रॉम होम हो गया, ट्रेवलिंग टाइम वगैरह बच गया। अब सर ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत टाइम बच रहा होगा, अब तो बढ़िया तैयारी चल रही होगी, तो देन व्हाट ही सेड वाज शॉकिंग टू द सर। ही सेड कि सर अब घर पे तो पढ़ाई हो ही नहीं पा रही, समय पता ही नहीं कहां चल पा रहा है, कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, पता नहीं क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है, वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद अस। सो In this case, my friend, I'm telling you, if you are facing this problem, then act professionally. सर ने उसको कहा कि तुम भाई मेरे जिस तरह से ऑफिस जाते थे ना, उस तरह से घर पे बैठने लगो। तो अब अगर वो घर पे बैठने लगा उस तरह से, तो वो उसको हेल्प करने लगा और अब वो अच्छी पढ़ाई कर पा रहा है। तो सेम विल हैपन विद यू माई फ्रेंड, you'll get benefited from him, I guarantee, try this at home. Exercise करने लगो भाई, exercise करना इसलिए जरूरी है क्योंकि body mind का जो combination है वो अच्छा तभी हो सकता है जब तुम exercise करो। इसलिए इस बात को ध्यान रखो क्योंकि तुम्हारे mind और body connected है। Competition is increasing, वही मेरी बात है, जो भी अपना सोच रहा है ना कि समय बहुत है, दोस्त तुम अपने लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो, अपने लिए एक बहुत बड़ा हर्डल पैदा कर रहे हो खुद को लिथार्जिक बना के।
और 12th तक भी तो मेरे भाई घर पे ही पढ़ते थे ना। 12th में बोर्ड्स में भी तो कितना काम होता था, उस टाइम भी तो घर पे ही पढ़ाई होती थी। तो ये जो दिमाग में फितूर बना के रखे हो ना कि घर पे पढ़ाई नहीं होती, कोचिंग जाना है, हॉस्टल में ही काम होगा, ये सब छोड़ दो और काम पे ध्यान दो, ठीक है। फ्यूचर तुम्हारा अगले 2 से 3 महीनों में डिसाइड होगा। एक अच्छा कॉलेज पा जाओगे, जीवन में खुश रहोगे, संतुष्ट रहोगे, प्राउड फील करोगे और करवाओगे पेरेंट्स को, अदरवाइज तो फिर ठीक ही है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो मेरे भाई तो इसको चैनल सब्सक्राइब करना और हाँ मत करना।